नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश की राजनीति में चाहे कर भी धार्मिक मुद्दे अलग नहीं हो पाते हैं, क्या करें। हमारे देश के जनता के प्रतिनिधि यानी जनता के नेता आजकल जनता के मुद्दों को छोड़ केवल धार्मिक बयानबाजी में उलझे हुए हैं। कभी रामचरण मानस की बात होती है तो कभी यहाँ पर ज्ञानवापी की बात होती है, और केवल और केवल राजनीतिक मुद्दों में केवल धार्मिक बयानबाजी का दौर लगातार शुरू हो चुका है और दौर लगातार जारी भी है। और दौर की शुरुआत इतनी अडिग है कि यहाँ पर कोई भी मुद्दा हो, उत्तर प्रदेश का मुद्दा हो या देश का कोई मुद्दा हो, अगर उत्तर प्रदेश का कोई मुद्दा उठ रहा है, ज्ञानवापी का मुद्दा हम देख रहे हैं, इस तरह से असदुद्दीन ओवैसी भी हैदराबाद से सांसद है, वो भी लगातार बयान देते चले आ रहे थे। यानी जब धार्मिक मुद्दा होगा तो उस पर बहस भी शुरू होती है और चर्चा भी शुरू होती है, और लगातार वो मुद्दा गर्मा जाता है। और गर्माने की इंतहा तो आपने देखी है किस तरह से यहाँ पर नुपुर शर्मा के बयान के बाद जो मामला बढ़े थे, और मामले बढ़े के चलते किसी की जान भी चली गई थी। खैर, यहाँ पर हम मुद्दों की बात करने नहीं बैठे, पर यहाँ पर चूंकि बात हो रही है धर्म विशेष की, बात हो रही है व्यक्ति विशेष की, बात हो रही है छुट्टी की। छुट्टी यानी अमूनन हर वर्ग में हर त्योहार पर तमाम तरह की गाइडलाइन जारी होती हैं, और यहाँ छुट्टी की बात हो रही है वो हो रही संसद में। संसद में आज छुट्टी है, कारण नवरात्र का पहला दिन, और उसके कारण यहाँ पर जब छुट्टी हुई है संसद आज बंद है, कल शुरू होगी दोबारा। उसके बाद बयान आने शुरू हो गए। बयान किसके आए हैं? बयान आए हैं संभल से सपा सांसद शफीक रहमान बर्क का, और मुरादाबाद से सांसद एस के हसन का। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से नवरात्र में रामायण हो सकती है, दुर्गा सप्तशती का पाठ हो सकता है, संसद में जो कि लोकतंत्र का मंदिर कहलाता है उसमें छुट्टी हो सकती है, तो उसके साथ साथ यहां पर रमजान की छुट्टी भी हो सकती है। मुसलमानों को भी लगना चाहिए कि ये देश भी उनका है, वो भी देश के नागरिक हैं। उन्होंने ये बात कही और स्पष्ट रूप से ये भी कहा कि सरकार यहां पर एक वर्ग के लिए ही काम कर रही है और दूसरे वर्ग को यहां पर उपेक्षित किया जा रहा है। खैर, बात की अपनी अपनी चर्चा है, अपने अपने विचार है, पर जो बात छुट्टी को लेकर उन्होंने कही है उस बात पर यहां पर बातचीत होनी जरूरी है, चर्चाएं जरूरी है। यहाँ पर अगर किसी शुरुआत होती है तो स्वागत नहीं होता है। अगर अच्छी चीज कर रहा है उसका स्वागत करना चाहिए, पर वास्तव में चूंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और धर्मनिरपेक्ष देश होने के नाते यहाँ पर सभी धर्मों को समान अधिकार और समान सम्मान प्राप्त है, तो वास्तव में अगर कोई चर्चा होती है या कुछ विशेष किया जाता है, अगर सभी धर्म उसमें शामिल नहीं होंगे तो प्रश्न उठना लाजमी है। फिलहाल इस बड़े मुद्दे पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने क्या कहा, वो सुनते चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सब त्योहारों पे छुट्टी होनी चाहिए जैसा समाजवादी पार्टी मानती रही है, सभी त्योहारों पे विश्वकर्मा पूजा पे भी छुट्टी होनी चाहिए। क्यों नहीं छुट्टी होनी चाहिए? विश्वकर्मा कोई भगवान नहीं है क्या? बताओ, भगवान नहीं है? बीजेपी वाले बताएंगे भगवान नहीं है? वाल्मीकि जयंती को होनी चाहिए छुट्टी, क्यों नहीं होनी चाहिए? अरे प्रमोद त्यागी जी की किताब पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? कब पढ़ोगे? अच्छा ठीक है, एक्सपायर में कॉपी तो देंगे आपको। ए विपक्षी एकता है, सब रहेगी, आप क्यों फिक्र कर रहे हो? बताइए, आप बताते हो फेस नहीं है। अरे जो फेस है उन्होंने उत्तर प्रदेश की हालत क्या कर दी, इसे हमारे पत्रकार साथी पूछ रहे हैं। आप बताइए, प्रधानमंत्री यहाँ के, मुख्यमंत्री यहाँ के किस स्थान पर है यूपी, बताइए आप। एजुकेशन में कहाँ है हम, हेल्थ में कहाँ है हम? और ये जो हवाई जहाज उतरा था हरकुलस, समाजवादियों ने डिजाइन ना की होती तो खेतों में उतारते क्या आप हरकुलस? और आप भी बोलते नहीं हो कि एक्सप्रेस वे क्या हो गया बुंदेलखंड? अरे लिखा करो, थोड़ा बोला करो, हैं? अपना काम बता दो, क्या बनाया उन्होंने, अपना काम भी तो बता दो। ये नाले नाले, गंदगी, कूड़ा, भाई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे आपने क्या काम किया बता दें हमें। और आपके लिए सबसे बड़ा उदाहरण तो बनारस हो सकता है, जो टेंट सिटी थी वो उड़ गई, उद्घाटन में तो सब लोग आए, अब समापन में कौन आएगा टेंट सिटी में? समापन भी तो कोई करेगा ना। नाले बह रहे हैं, नाले, जितनी भी गंदगी है नदियों में जा रही है, क्या किया आपने? आपका मेयर, आपके एमपी, आपके मिनिस्टर्स, आपका डिपार्टमेंट, सब कुछ आपका,
उसके बाद आप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नहीं कर रहे, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे, इफ्लुएंट ट्रीटमेंट के लिए कोई काम नहीं किया आपने, तो क्या कर रहे हैं आप लोग। एक दिन मैंने अखबार में पढ़ा कि अब गंगा की बीओडी सीओडी डिजोल्व ऑक्सीजन ठीक होगी। आप पैरामीटर्स देखिए गोमती के क्या है, आप यमुना के पैरामीटर्स देखिए आप क्या है, और गंगा के पैरामीटर्स देखिए क्या है। चर्चा महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर छुट्टी पे जैसे बवाल हुआ है, बयान हो रहा है, कहीं ना कहीं इस पर चर्चा महत्वपूर्ण है। और हमारे साथ चर्चा के लिए मेहमान जुड़ चुके हैं, गुरुकुल करारू अश्विन शाही भाई प्रवक्ता भाजपा से अपनी बात रखेंगे, दयाराम भार्गव सुभाषपा अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता कांग्रेस से विनोद सिंह अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता सपा से मीसम जैदी उनके फॉर्मर प्रवक्ता अपनी बात रखेंगे, और दिलीप यादव राजनीतिक विशेषज्ञ रूप में अपनी बात रखेंगे। आप सभी मेहमानों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा वो रहेगा नेता सपा से, मीसम भाई छुट्टी की बात कही है, बोले मुसलमान भी यहाँ के नागरिक हैं, उनको महसूस होना चाहिए, और अगर नवरात्र की पहले दिन छुट्टी कर रहे हैं तो रमजान की भी छुट्टी होनी चाहिए। बयान के मायने क्या है और क्यों बार बार धर्म पे त्योहारों पे बयान होते हैं, जनता के मुद्दों पे बयानबाजी क्यों नहीं होती है, उस पर कोई संज्ञान क्यों नहीं लेता है? जी जी गौरव जी, जैसा कि हम देखते आ रहे हैं हमेशा से भारतीय जनता पार्टी एक नारा देती है, सबका साथ सबका विकास। अच्छा, महिलाओं का विकास जी, महिलाओं को न्याय दिलाने की बात जी नारे में अपने लिख करके आती है और सरकार बनाती है, तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उस नारों पर खरा नहीं उतरती है, और उन नारों के लिए सिर्फ उनके माने चुनाव में है, उन्हें उसका इस्तेमाल करने का कि वो इलेक्शंस जब आते हैं तब इस तरह के नारे देते हैं, और ज़मीन पर उसकी हकीकत कतई नहीं होती है, हवा हवाई रहती है। अगर सबका साथ सबका विकास की बात कही है और जिस तरह से हमारे सांसद जेएसटी हसन जी ने बात कही है कि जाहिर सी बात है कि अगर अक्सरियत के हिसाब से आप छुट्टी मना रहे हैं तो फिर आप सबका साथ सबका विकास के नारे को हटा दीजिए और सबको आगे ले करके चलने की बात मत करिए। जब आपको चुनाव के लिए यूज़ करना होता है तब आप मुसलमान को पासमंदा बना करके उनको जोड़ने की बात करते हैं, हालांकि मुसलमानों में मैं आपको बता दूं जो मुसलमानों का जिस तरह से जो धार्मिक ग्रंथ है या जो उनकी मोनोपोली है मुसलमानों की, उसमें सब बराबर है, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। तो अब आप पसमंदा को जोड़ रहे हैं और उनके गले लग रहे हैं, नहीं दर्द नहीं हो रहा है, अच्छी बात है। आप मुसलमानों के आचरण की बात करते हैं, तो ये तो मैं उसी जोड़ने में तो ये लाइन कह रहा हूँ कि जब आप पसमानदा को जोड़ रहे हैं और जिस तरह से आप सबका साथ कर रहे हैं, तो अगर आप छुट्टी भी कर देंगे तो इसमें वाकई बात है मुसलमानों को भी लगेगा कि हमारा भी कुछ हिस्सा हिंदुस्तान के अंदर है, हमारे भी धर्म का सर्व धर्म की जो आप बात कहते हैं कि सम्मान सर्वधर्म सम्मान की बात आती है, तो उसमें उनको भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है। और रही बात कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है। अच्छा। कि जब हम इस तरह की कोई बात करें और मुसलमान कोई उठ करके इस तरह के अनलगर बयान दे और उससे फीलिंग्स हो, फिर उसके बाद एक खाई बनाई जाए, उसमें दो तरफ डिवाइड एंड रूल किया जाए। अच्छा। एक तरफ हिंदुओं को खड़ा कर दिया जाए, एक तरफ मुसलमानों को खड़ा कर दिया जाए, कतई बात नहीं, ना मुसलमान इसके लिए कोई विरोध कर रहा है ना सड़कों पर आ रहा है। मगर अगर अब बात आपने पूछी है तो मैं बीजेपी मुसलमानों की विरोधी पार्टी है क्या? देखिए विरोधी पार्टी नहीं है तो फिर समर्थन में भी तो कहीं कुछ नजर नहीं आती है, कि अगर ऐसा भी कहीं नहीं दिखता है कि बहुत ज्यादा ही कुछ कुर्बान हो जाए भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के लिए या और भी धर्मों के लिए। देखिए साफ बात है, मैं बता रहा हूँ, कुछ बातें चैनल से नहीं की जाती है, एक वर्ग विशेष के लिए हिंदुओं में भी बहुत सी जातियां हैं, बहुत से प्रथाएं हैं, बहुत से मैं कह सकता हूँ कि इस धर्म हैं, और कुछ विशेष धर्मों पर भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, जब आपकी सरकार थी तो रोज अवतार होता, तब कोई नहीं कहता था कि नवरात्र का पारायण भी करा लीजिए, तब इस तरह के सफेद मन भर का बयान नहीं आते थे, इनके बयान नहीं, तब नहीं देखता था क्या? देखिए अगर आप किसी को रोजा अफ्तार कराते हैं, किसी मैं तो सभी धर्मों का सम्मान करता, अगर तो अगर अगर आप कराते हैं किसी को अपने गले से लगाते हैं, समय किसी नेता का बयान नहीं आता था कि भाई अखिलेश जी अगर आप ये करा रहे हैं तो ये भी करा लीजिए? देखिए ऐसा है कि ये एक बड़कपन है, अगर आपको किसी घर में आपको अपने मेहमान कोई बुलाता है और बुला के बिठाता है, आपका आदर सत्कार करता है, तो ये आपका बड़कपन है, इससे आपकी आपकी जाति विशेष और आपकी भावनाओं की लोग कद्र करते हैं कि इस तरह से मानवता के लिए एक मिसाल होती है। और ना बुलाने पर कोई आपसे ज़बरदस्ती नहीं करता है कि साहब मुझे बुला करके आप रोज़ा अफ्तार करा दीजिए या अपने घर पर आप मुझे जलपान करा दीजिए। मिसम भाई, अभी आपने कहा कि यहाँ पर बीजेपी मुसलमानों की विरोधी पार्टी है,
तो मुसलमानों की देसी पार्टी कौन सी है? सपा। देखिए विरोधी की बात हमने नहीं करी, मैंने कहा मुझे जमीन पर कहीं दिखाई नहीं देता है कि आप इस तरह से मुसलमानों के लिए कोई बहुत ज्यादा आप उनके समर्थन में साहब बाग बाग हो जा रहे हैं। क्या सरकारी योजनाओं का लाभ मुसलमानों को नहीं मिलता? देखिए ये तो संविधान, ये तो संविधान, अन्य योजना नहीं मिलती है, ये तो आवास नहीं मिलता है, ये तो हमारे नहीं मिलता, ये भारतीय जनता पार्टी की वजह से नहीं है, ये हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर जी जिन्होंने संविधान अच्छा, लिखा उनकी अच्छा, वजह से, हमारे लोकतंत्र की वजह से है और हम लोकतंत्र के ही मानने वाले हैं और हम पहले भारतीय उसके बाद किसी मजहब पंथ में बटे हुए हैं। हमारा कहने का मतलब यह है कि अगर छुट्टियां की जा रही हैं तो अगर मुसलमानों के लिए भी की जाती तो मुसलमानों को भी एक अपनापन लगता कि भारतीय जनता पार्टी में उम्मीद जागती, मगर वो कहीं नहीं। हम हमेशा से कहते हैं क्योंकि अब हम लोग किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं तो हम पर यह आरोप लगाया जाता है कि समाजवादी पार्टी हमेशा भड़काने का काम करती है, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर सब धर्मों की छुट्टी की जाए तो क्या इसमें कोई गलत बात हो जाएगी? तो फिर जाहिर सी बात है कि अगर ये कर दिया जाए और छुट्टी कर दी जाए या रमजान के लिए रोजा अफ्तार कर दिया जाए तो इसमें क्या आप हिंदू नहीं रहेंगे? मगर आपने अपने ऊपर जो एक टैग लगा रखा है एक धर्म के आड़ में बैठ करके जो राजनीति करना है, क्योंकि बहुसंख्यक समाज से राजनीति आपको करनी है और आपको उन्हीं को ही भड़का करके हमेशा सदैव बने रहना है, जो आपने टैग, जी जी बिल्कुल टैग लगा रखा है। देखिए देखिए ऐसा है, देखिए जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए कोई बात कहता है तो मुख्यमंत्री जी क्रोधित हो जाते हैं, अपने आगे वो किसी की सुनते नहीं है, सुनते नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी बात करने से पहले मुझे भी सोचना पड़ता है अच्छा। कि उनका क्रोध की त्रिनेत्र ना खुल जाए अच्छा। कोई मुकदमा ना लिख जाए अच्छा। कहीं वो किसी तरह के आवेश में कोई आकर के कदम ना उठा दे अच्छा। मगर सच बात कहने से समाजवादी पार्टी नहीं डरती है अच्छा। इसलिए हम लोग मौके मौके अपनी सही बात कह देते हैं, वो चाहे एस टी हसन जी के रूप में हो, चाहे मान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के रूप में हो, जो उन्होंने अभी अपने बयान में भी कहा कि विश्वकर्मा जी की भी छुट्टी करना चाहिए, तो अब इसमें तो कोई विरोध नहीं कर सकता। तो वो तो सबका साथ सबका विकास की बात तो हमको राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश जी के मुख से सुनाई दे रही है। तो जाहिर सी बात है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश जी के साथ आज हम इसलिए हैं क्योंकि उनके ही पास में मुझे लगता है सर्व सम्मान सर्व जातियों को मिल सकता है और सबका साथ सबका विकास हो सकता है। भले ही आप लोग आरक्षण मिला हो चाहे ना मिला हो, ठीक है, उससे मतलब नहीं, भले ही 27 महीने आजम खान से मिलने गए हो ना गए, जाहिर सी बात है कि आज सरकार में नहीं है, कल आएंगे तो हो सकता है हमारे लिए काम। भाई कैसे देखते हैं, यहाँ पर बता रहा है टैग लगा हुआ है और यहाँ पर अगर एक वर्ग को खुश कर रहे हैं तो दूसरे वर्ग की भी चिंता करनी चाहिए, वो भी देश का नागरिक। और निश्चित रूप से हमारे देश में इस तरह की व्यवस्था है, सभी धर्मों को सम्मान प्राप्त है और शायद अगर ऐसा कर रहे हैं तो उनको भी करना चाहिए। कैसे देखते हैं आप जी? गौरव भाई देखिए, सबका साथ सबका विकास जो है भारतीय जनता पार्टी ही करती है और करती रहेगी। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो अभी बयान सुनाया आपने, आपने उसमें खींच नहीं देखा जी कि हमने वो बनवा दिया और ऑर्डर, अभी वो उस एक्सप्रेस वे से नीचे नहीं उतरे हैं। अच्छा, सफाई में इन्होंने बनवाया था वो रनवे, क्या दिक्कत है? नहीं नहीं सफाई, हम क्या कर, हम तो 19 बना के देने जा रहे हैं भाई। अच्छा, हम तो उन्होंने, वो तो एक से नहीं उतरे, हम 19 बना रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हाँ, अब 6 चालू है, 7 पर, 7 चालू होने के कगार पर है, इसी साल चालू हो जाएगा जी, 13 हम चालू कर देंगे जी। वो तो एक से नहीं उतरे हैं, सफाई में रनवे बनवाए थे जी, अरे हवाई अड्डा बनवाए होते तो कुछ बात होती जी। हम सबका साथ करते हैं। देखिए अभी कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश में सबका साथ सबका विकास का एक मुजाहिरा पेश किया और हर मंदिर में, हर जिले के मंदिर में नवरात्र में पाठ करने की बात की जी। और अभी 4 दिन पहले विरोधी का मतलब मैं सिर्फ समाजवादी पार्टी से नहीं लेता हूं जी, बिहार में एक आदेश जारी हुआ, रमजान का महीना है, 1 घंटे बाद आप ऑफिस आइए और 1 घंटे पहले आप चले जाइए। अच्छा, वहां कहा गया था सबका सबका साथ सबका विकास, और आज से नवरात्र शुरू हो रहे हैं, नवरात्र के लिए कुछ नहीं है कि भाई आप लोग आइए चाहे मत आइए, फलाहार करने के लिए कोई छुट्टी नहीं जी। आपने अभी सवाल पूछा अमित भाई जी कि पहले रोजा अफ्तारी होती थी सरकारी पैसे से जी, एक बार भी किसी दिन फलाहार का वो रखा नहीं गया कि नवरात्रों में फलाहार भी हो जाए। अजमेर में उर्स होता था मौलाना चिश्ती का और 17 मई को छुट्टी का कहा की गई थी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि जायरीन जाएंगे, इतनी छुट्टियां कर रखी थी इन लोगों ने। आज हम लोगों ने जैसे ही सरकार आई, हमने सबका साथ सबका विकास किया और 15 छुट्टी हमने रद्द की, उसमें देख लीजिएगा कोई, हमने किसी का कर्पूरी ठाकुर की छुट्टी बनाते थे ये लोग, कश्यप निषाद राज महाराजा की छुट्टी बनाते थे, चेटीचंड, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती,
14 अप्रैल अजमेरी गरीब नवाज क्या है, चंद्रशेखर जी की जयंती, परशुराम जयंती, लोकनारायण महाराणा प्रताप जयंती, अब जमातुल विदा अंतिम शुक्रवार 23 जून, मतलब उस साल मना रहा होगा, अंतिम शुक्रवार होता था, विश्वकर्मा पूजा, अग्रसेन जयंती, वाल्मीकि जयंती, छठ पूजा, वल्लभ भाई पटेल, ईद मिलादुन भी, पता ये कौन सा त्योहार है, हो सकता कोई त्योहार होगा, मैं सम्मान कर रहा हूँ, ईद है जी, नहीं नहीं ईद उल ईद उल दुनबी कोई, हाँ ईद मिलादुनबी कोई दूसरा त्योहार होगा ईद के अलावा। मैं कह रहा हूँ 15 छुट्टियां हम लोगों ने रद्द की भाई, प्रदेश में कुछ काम भी होगा कि सिर्फ छुट्टियां होंगी, और जब छुट्टी हो रही है तो धार्मिक रंग दे रहे हैं इनके मुस्लिम सांसद जी। उर्स की उर्स होता है अजमेर में, उत्तर प्रदेश में छुट्टी पर टीए हसन और वर्क जी नहीं बोले, कहां थे लोग? और अभी देखिए जब ये लोग बोल जाते हैं और सेल्फ गोल करते हैं, अभी इनका राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ और रामचंद्र की छुट्टी की बात कर रहे हैं, संसद की छुट्टी की जी जी जी, हम संसद में छुट्टी हुई तो हिंदू त्योहार की बात कर रहे हैं ना, आज हिंदू त्योहार में अगर छुट्टी हो गई तो राजनीति की सियासत करना शुरू कर देंगे हर जगह जी। रामचरितमानस पर सियासत कराकर सेल्फ गोल कर लिया, तो इसीलिए स्वामी प्रसाद मौर्य को इनके मंच पर जगह नहीं दी गई, वहां बैठे रहे राष्ट्रीय महासचिव हैं, मंच पर जगह नहीं दिया लोगों ने, क्योंकि अब दिक्कत हो रही है कि हम हिंदू भी चाहिए मुसलमान भी चाहिए और कोई नहीं आ रहा पास में। रामचरितमानस भी करा कर देख लिए, उससे दूना माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दिया कि भैया चलो अब दुर्गा सप्तशती का रामायण का पाठ होगा, आइए। अच्छा, हम सबके साथ हैं, सबके धर्मों का सम्मान करते हैं, मगर इनकी तरह तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते हैं। जो ये तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, मांग कर रहे हैं रमजान की छुट्टी हो जाती, दिक्कत करने छुट्टी दी गई, दिक्कत थी क्या भाई? हम कहा कह रहे हैं रमजान की सबकी छुट्टी हो जाए, पूरा देश बंद कर दिया जाए जी। रमजान की छुट्टी में बिहार वाले पर अखिलेश जी क्यों नहीं बोले हैं कि एक घंटा पहले जाओ, एक घंटे बाद आओ और एक घंटे पहले चले जाओ? अच्छा, तो उसमें नवरात्रों में क्यों नहीं बोले भाई? हम लोग भी तो व्रत रहते हैं, बिल्कुल हम लोग भी व्रत रहते हैं, हमको भी करना है जी। वहां भी अखिलेश जी को बोलना चाहिए, लेकिन वहां पर मुंह बंद हो जाता है। अच्छा, वहां पर मुंह में दही जम जाती है। अच्छा, और यहाँ पर अपने सांसदों से बुलवाते हैं कि संसद में छुट्टी हो गई। अच्छा, ये दोहरा मापदंड उचित नहीं है। ठीक है, ठीक है। विनोद सिंह भाई, अब चूंकि संसद की बात है, केंद्र में आप भी हो, आपकी राय क्या है? देखिए गौरव जी जी, इन मुद्दों पर जी राजनीति नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल। और रही इनके सांसद सपा के हसन साहब ने जो कहा कि ये हिंदुओं, दोनों सांसद कहे हैं, हाँ, हिंदुओं के फायदे के लिए सरकार काम कर रही है, तो ऐसा नहीं है। ये सरकार ना हिंदू ना मुसलमान किसी के लिए कोई काम फायदे के लिए नहीं कर रही है। अच्छा, किसी के लिए नहीं कर रही है ये सरकार? केवल अपने राजनीतिक एजेंडे के तहत ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। नहीं देखिए, अगर अगर हिंदुओं की के लिए ही काम करती, हिंदू हितैषी सरकार होती, तो आज उत्तर प्रदेश या देश की हालत समृद्धि से लेके स्वास्थ्य से लेके, आपकी राय क्या है? वो तो मैं पता है, जहां वो तो आप यहाँ पर समर्थन नहीं करें, बस बेहतर हालात है तो अभी अडानी हिंडनबर्ग को भी लेके आएंगे, पता है। तो आपकी राय क्या है? मेरी राय यही है, देखिए छुट्टी का संबंध, अगर नवरात्र पे छुट्टी हुई है तो रमजान में छुट्टी होनी चाहिए। छुट्टी का संबंध सहूलियत से है, अगर सरकार ने ये किया है ठीक है, लेकिन उनको, हाँ, जिस भी भावना के लोग हैं मानने वाले धर्म के, उसको भी दृष्टिगत रखते हुए उनकी सहूलियत के लिए भी ऐसे प्रयास किए जा सकते हैं, करना चाहिए। लेकिन ये करने पे हमें कोई ये नहीं, अच्छा है इस प्रकार से और भी छुट्टियां, जो जिस धर्म के प्रमुख त्योहार हैं जिसमें वो उनको कहीं कहीं ऑफिस या संसद या अपने संस्थाओं में जाने के लिए आपाधापी हो जाती है थोड़ा सा, तो वो एक छुट्टी दी जा सकती है, बिल्कुल, जिससे वो अपने रिचुअल्स को, अपने काम को, अपनी पूजा पाठ को, अपनी साधना को कर सकें, तो ये अच्छी बात है। अच्छा, और इसमें कोई राजनीति, इसमें मुझे कहीं ना कहीं, माफ करिएगा, सपा और भाजपा एक दूसरे के पूरक बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, ये इस प्रकार से जो आम जनता, भाजपा बोलते हैं ऐसा बयान दे रहे हैं, भाजपा तो ऐसा प्रयास करती ही है कि इस प्रकार से जो इनके इनके ऊपर जिम्मेदारी से सवाल आते हैं सरकार में रहते हुए लोगों के कल्याण के लिए, तो इनके पास चूंकि एजेंडा तो कोई है नहीं, कोई नीति है नहीं, नीयत तो इनकी स्पष्ट रूप से बेकार है और नीतिगत असफलता आपने जग जाहिर हो चुकी है, तो इसलिए इसको पटाक्षेप करने के लिए, इसको ढकने के लिए बहस को एक नई बहस पैदा करते हैं, तो इनके पास धार्मिक ध्रुवीकरण इस तरीके की बातें ही रहती हैं। अच्छा, इसको इसको छोड़ते हुए अब कम से कम सरकार में ऐसे काम करें निष्ठा के साथ जिससे हर भारतवासी का
कुछ हद तक कल्याण करने की इनकी मंशा जाहिर हो सके। ठीक है, लेकिन ये तो अब दुर्भाग्यपूर्ण है, ये हो नहीं सकता है। ठीक है, दयाराम भाई जी, आप मुस्करा रहे थे काफी देर से, मैं देख रहा था जी, क्या वजह थी? अपना बयान भी दे दीजिए आपकी क्या। नहीं नहीं, वजह तो खैर कुछ नहीं, आज मैं देख रहा हूँ बोलेंगे पता है, बोलेंगे सपा के खिलाफ ही वाले, भाजपा वाले। देखिए भाई, हिंदुस्तान में मुझे पता है सपा के खिलाफ ही बोलेंगे आप, सुन तो लीजिए, सुना लीजिए, सुनोगे नहीं श्रीवास्तव जी, सुना लीजिए, सुना लीजिए। हमारे हिंदुस्तान में 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा होती है। अच्छा ठीक, अगर हम छुट्टियां करते रहेंगे तो फिर ताला लगा दो ना पूरे भारत वर्ष में, जैसे कोरोना में लगे था, जो होगा देखा जाएगा। अच्छा, बात छुट्टी की नहीं होती है, बात देश के विकास की होती है। अच्छा, बात देश के बच्चों के स्वास्थ्य और रोजगार और शिक्षा की होती है। ठीक है, बात देश में महंगाई की होनी चाहिए। अच्छा, बात जो है तरह तरह के आडंबर को छोड़ करके रोजगार परक शिक्षा की बात होनी चाहिए। बात अगर होनी चाहिए तो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू हो, उस पे बात होनी चाहिए। बात अगर होनी चाहिए तो जातिवार जनगणना देश और प्रदेश में उसकी बात होनी चाहिए। ये तो लगता है। अच्छा, देश के 135-140 करोड़ जनता को लगता है। हाँ। 25 करोड़ उत्तर प्रदेश को जनता को लगता है। जो मेरी आवाज सुन रहे होंगे वो भाई बहने देख रहे होंगे कि भार्गव जी हमारी बात उठा रहे हैं, यहां सब अपनी बात कर रहे हैं। अच्छा। अब आज अखिलेश यादव जो ट्वीट कर रहे हैं, 2016 और 2017 में आदरणीय अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, आप देखिएगा, कब्रिस्तान बनवाने के लिए 400 करोड़ रुपए देने का काम करते हैं, वहीं जो आप क्या नाम है शमशान घाट बनवाने के लिए 227 करोड़ रुपए देते हैं। आप देखिए यहीं पे चश्मा मतलब बदल दिया गया। अच्छा। आपने जो दिया उसमें भारतीय जनता पार्टी लाल लजकस के साथ खड़ी हो गई थी, लेकिन फिर भी अंतोगत्ता उन्होंने जो करना था कर लिया। आज अगर हमारे देवी देवताओं के ऊपर कटाक्ष और कुठाराघात किया जा रहा है तो मैं इसका भर्तना करूंगा, कोई भी व्यक्ति हो। अच्छा। ठीक है, मैं एक दल हूं, कोई किसी दल में हो, लेकिन आस्था। अच्छा। के साथ किसी का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। मैं अपने सपा के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, पूछ लीजिए, जब हिस्सा अधिकार देना होता है तो समाजवादी पार्टी जो है बिल में क्यों घुस जाती भाई? हम आपसे जानना चाहते हैं। अच्छा। आज जो है उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी बड़ा कह रहे कि मैं शूद्र हूं, शूद्र हूं। हमको शूद्र की पॉलिटिक्स नहीं समझ में आ रही है कि जब समाजवादी की सरकार थी, यानी माननीय मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, अति पिछड़ों अति दलितों को जो प्रमोशन में आरक्षण मिला करता था, क्यों आपने खत्म किया? उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को और भारतीय संविधान को आपने नहीं माना, क्यों नहीं माना? क्या कारण था? उस समय इनको देना नहीं था, उस समय इनको केवल दो वर्ग नजर आते थे उत्तर प्रदेश में, उसी की राजनीति होती थी। अच्छा। श्रीवास्तव जी, उसी की राजनीति होती थी। उसमें जो तमाम जातियां हैं, भरकेवट, मल्ला, कश्यप, बंजारा, जितनी भी जातियां हैं, पटेल, बंजारा, आप अर्कवंशी, अरक, खंगार, बहलिया, ये जो जातियां हैं, अगर कहीं थाने चौकी में जाओ ना तो कहीं मिलेंगे नहीं। और आज कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी हम शूद्र हैं, अशूद्र हो तो अपने साथ में आप पंडित जी को लेके चलोगे, मनोज पांडे रहेंगे, अशोक सिंह भी आपके साथ रहेंगे, तो आप बताइए, ये कन्फर्म करिए, अगर आप शूद्र हैं तो फिर कैसे आप पूछ रहे हो किसी से? शूद्र का परिभाषा क्या है? शूद्र के परिभाषा में जब आपको उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती हुआ था तो उसमें आप बताइए 33,000 केवल आप यादव के को भर्ती कर दिए। दूसरी बात, जब आपको सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट उत्तर प्रदेश में, जब अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, 4 सितंबर 2013 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, क्या कहा उन्होंने? कहा उत्तर प्रदेश में जो 2011 के जो जनगणना हुआ था उसमें उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जात के 79-79 जातियां बास कर रही हैं। अच्छा। उसमें से 12 जातियों को लाभ मिल रहा है, सामाजिक न्याय के दायरे में ला करके सभी जातियों को देने का काम किया जाए। जबकि 2001 में आज के रक्षा मंत्री, उस समय के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय जो है राजनाथ सिंह थे, उनके नेतृत्व में कमेटी भी बनी थी, वो कमेटी भी साक्षी गवा रहा है, वहां से सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट की मांग होती रही, 4 बार सपा 4 बार बसपा, क्यों नहीं दिया भैया आपने? देना चाहिए। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी 27 अक्टूबर 2002 को, जब से बनी, सुन तो लीजिए, सुन लीजिए, जब से हमारी पार्टी बनी है सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट के लिए हम बार बार कहते रहे, जातिवार जनगणना के लिए हम बार बार कहते रहे, रोजगार परक शिक्षा की बात हम करते रहे। अच्छा। लेकिन देश और प्रदेश की सरकारों ने क्यों नहीं जागा? अच्छा। जब हम कहते थे तो अखिलेश यादव जी इधर से सुनते थे, निकाल देते थे। आज हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे हैं, बड़ी हंसी आती है हमारे कांग्रेस को। अच्छा। भाई बात बताइए, आपकी सरकार में
जब आप केंद्र की सरकार में थे, डबल इंजन की सरकार, समाजवादी आपको समर्थन देकर के केंद्र में सरकार बनाई थी, तो आपने जातिवार जनगणना क्यों नहीं कराया? आपने सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू किया? दूसरी बात, जब उत्तर प्रदेश में जब 12 जातियों को लाभ मिल रहा था, बाकी जातियों को, पिछड़ों को नहीं मिल रहा था सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट के लागू होने से, उस समय हमारे कांग्रेस के साथी कहां सो रहे थे? ये तमाम सवाल उत्तर प्रदेश में। लेकिन गौरव भाई, इन सवालों का जवाब उत्तर प्रदेश की जो 25 करोड़ जनता है निकाय में देने जा रही है। अच्छा, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, जैसे 2022 में हम चुनाव से निकलते हैं, परिणाम आते हैं, उसके बाद परिणाम का निकलते हैं। आप देखिए 75 जिलों में हम जो है सावधान यात्रा के माध्यम से जगाने का काम किया, बताने का काम किया, आगे बात आ गई, जनता को यह बताने का काम किया कि मैं ही बिजली। एक सवाल ले लीजिए जी, आपने तमाम बातें कही सपा के लिए, कही समिति रिपोर्ट के लिए, कही सपा पर तमाम आक्षेप लगाए, ये बात तो आपको पहले से पता होगी, फिर 22 में गठबंधन कैसे कर लिए? हक के सवाल, तब तो गलबंगे डाल के सवाल पे प्रचार कर रहे हैं। बहुत अच्छा, मैं तो तालियों से स्वागत करूंगा। पहले पता नहीं था, आप पहले पत्रकार हैं कि जो हक की बात कर रहे हैं। देखिए, समाजवादी के साथ में हम हक के लिए जानकारी चाहिए, सुन तो लीजिए। जिन जातियों को नुमाइंदगी विधानसभाओं में और भरपूर मात्रा में है, जो लोग वोट दे करके चार बार सपा 40-45 साल कांग्रेस ने राज किया उत्तर प्रदेश में, उसी जाति के कश्यप है, दीमर है, केवट है, मल्ला, फिर आप मामला घुमा ले गए, फिर मामला घुमा ले गए, राजभर है, प्रजापति चौहान है, ये भरपूर मात्रा में वोट देती है। इनके बेटी बेटा विधायक कब बनेंगे, सांसद कब बनेंगे, मंत्री कब बनेंगे, थाने पे चौकीदार, बहुत दर्द है, बहुत दर्द है। सारे लोगों का हक अधिकार, बहुत दर्द है इनको। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी अगर इनकी बात करती है, तो लोगों के पेट में दर्द होता है गौरव भाई। चलो ठीक, मैं क्या कर सकता हूँ, बहुत दर्द है। पहले दर्द नहीं था जब जुड़ गए थे, जब अलग हो गए हक अधिकार के लिए। अखिलेश यादव जी कहते रहे राजभर जी देंगे, कश्यप नहीं लड़ाया, बंजारा नहीं लड़ाया, बहलिया नहीं लड़ाया, अरकबंशी नहीं लड़ाया, क्यों नहीं लड़ाया? अच्छा ठीक है, ठीक है, यहाँ पर अधिकार नहीं मिले, ठीक है। दिलीप यादव, दिलीप भाई आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर, क्योंकि यहाँ पर तो मुद्दा होता कुछ और जाता कहीं है। खैर, हमारे जयराम भाई काफी नाराज है सपा से और ये नजर आता रहता है, बोलिए जी। जी दिलीप भाई की आवाज नहीं आ रही जी। दिलीप जी आपकी आवाज नहीं मिल रही, संपर्क नहीं हो पा रहा आपसे, इको कर रही है आवाज। जी जी बोलिए बोलिए, आपके आवाज आ रही, बोलिए बोलिए बोलिए। जो समाजवादी पार्टी के सांसद जी माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के जो है नवरात्र पे जो है एक दिन की छुट्टी की बात कही है जी, छुट्टी किया है जी, स्वागत योग्य है जी, होना भी चाहिए जी। और दूसरी बात की वहीं पे जो है जो सपा के सांसद है उनकी जो मांग है वो ही जायज है, क्योंकि हमारा संविधान जो है सभी धर्मावलंबियों के लिए जी समानता का अधिकार देती है हमारे संविधान के अनुसार जी। अगर जो है उनके पूजा पाठ पद्धति के लिए, जो उपासना की पद्धति के लिए जो है हिंदुओं के लिए जरूरी है, तो वो मुसलमानों के लिए भी उतना ही जरूरी है, उतना ही जो है क्रिश्चियन के लिए, उतना ही जो है सिख जैन पारसी ईसाई सब के लिए है जी। तो ये होना चाहिए जी, समानता तभी आएगी। और रही बात ये कि जो है समाजवादी पार्टी जो है ये कहे कि हम मतलब योगी जी जो है सिर्फ हिंदुओं के लिए करते हैं, तो हिंदुओं की पार्टी है जी, लेकिन फिर भी जो है अच्छा हिंदुओं की पार्टी भाजपा, भाजपा मुस्लिम नहीं है क्या? जी जी, सुने तो पूरी बात सुना लीजिए, हिंदुओं की पार्टी है। अच्छा, तो हिंदुओं की पार्टी है तो जो है वो वैसा ही करेंगे। अच्छा, लेकिन ये खासतौर पे मुसलमानों का जो है जब भी असली जवाब दीजिएगा जी, हाँ जो उनके अंदर जहर में है जी, और खासतौर पे जो है समाजवादी पार्टी के लोग के भी जहर में है जी, हिंदुओं की पार्टी तो हिंदू तो जो है वहाँ भी है, यहाँ भी है, हर जगह है। अच्छा, और योगी जी ने मुझे लगता है कि जो है कुछ संसद की बात चल रही है, योगी जी की बात नहीं चल रही, उन्होंने तो नवरात्र की बात कही है, संसद की बात चल रही है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, मुसलमानों को जो है ऐसा नहीं है कि जो है उन्होंने जो है उत्तर प्रदेश की सरकार बनने के बाद जो है मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया है, उन्होंने बहुत कुछ किया है, उनकी बेटियों की जो है। अच्छा, जो है पर दिलीप भाई यहाँ पर एक बात समझ में नहीं आई मेरे कि हिंदुओं की पार्टी, मुस्लिमों की पार्टी, ये पार्टी तो आज तक सुनाई नहीं मैंने, मैं पार्टी है तो
ये आप पहली बार समझ में आई कि हिंदुओं की पार्टी, मुस्लिमों की पार्टी, सिखों की पार्टी, ये तो पहली टर्म, पहली मुझे कोई ऐसी शब्दावली समझ में आई है आपके द्वारा जी। आप ही कह सकते हो हिंदुओं का, हिंदुओं की बात करती है, पर हिंदुओं की पार्टी है, मुस्लिमों की पार्टी है, तो मुस्लिमों की पार्टी बता दीजिए कौन सी पार्टी है, सपा है क्या? मैं वही वही क्लियर कर दूं जी, लोगों के दिमाग में यही है कि जो है भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की पार्टी, और ये क्या नाम है, समाजवादी पार्टी जो है मुसलमानों की पार्टी, अच्छा, और जो है अदर जो है बैकवर्डों की पार्टी, अच्छा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। सारे जो है ये सोच है लोगों की, सोच है, ये सारे के सारे जो है भारतीय जनता पार्टी में मुसलमान है, समाजवादी पार्टी में मुसलमान है। अभी आप ही बोल रहे थे, अभी आप बैक हो गए। दिक्कत आएगी मुझे, बता दीजिए ये आपका विचार है लोगों का विचार है जी? दिलीप भाई बोलिए। मेरा विचार नहीं है, लोगों का विचार है, जैसे मुसलमान पार्टी के वो जो है कैमरा कैमरा क्लियर कर दे रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी जो है मुसलमानों के लिए जो है कहीं सही करती है, समाजवादी पार्टी की करती है या बसपा करती है, तो ये विचारधारा कुछ नहीं है, ये लोगों की सोच है। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के मामले पे जो है काम करती है, लेकिन और भी जो है धर्मावलंबियों का जो है वो उनको सहयोग मिलता है उन पार्टियों में भी जो है। देखिए दिलीप भाई की मानसिकता है, देखिए बीच में आपके जवाब हम नहीं दे पाएंगे, इसलिए जी मैं दूसरे चीजों से जुड़ा हुआ डायरेक्ट स्टूडियो में नहीं हूँ, वाइस क्लियरेंस ही नहीं है जी। सही बात, एक चीज है, भार्गव जी जो है अभी जो बोल रहे थे, हाँ, कि अखिलेश यादव ने ये नहीं किया, उन्हें, अरे भाई आप तो बीजेपी भी के भी गोद में बैठे थे, अच्छा, 18 महीने थे, हमारी सरकार बनवा दीजिए सारा सिस्टम सही कर देंगे। हाँ। दिलीप भाई सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की सरकार बनवा दो सारा सिस्टम सही कर देंगे, अच्छा, जिन जातियों को दिलीप भाई नहीं मिला है उसको हक अधिकार दिलाने का काम दे आराम भार्गव। सुनिए सुनिए सुनिए, कंप्लीट कर लेने दीजिए, हमसे बात करिए, बहस करिए, जो है दूसरी पार्टियों वाले से मैं बताऊं, बोलिए कि ये वहां भी गए हैं, इनको जो है जो व्यवस्थाएं मिलनी थी मिली, चाहत बढ़ गई, इसलिए जो है ये देख रहे थे कि यह समाजवादी पार्टी की सरकार बनने वाली है, अच्छा, तो ये वहां से भाग के यहाँ। धन्य हो प्रभु आप जैसा विश्लेषण, धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। अरे आप ये कहिए मैं पार्टी का प्रवक्ता हूँ महाराज, आपको यही नहीं जानकारी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के ताकत से पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी आई है। कैसी बात कर रहे हो दिलीप भाई, दिलीप यादव जी कैसी बात कर रहे हो, सुहेलदेव भारतीय, सुनिए आप राजनीति क्योंकि पहले लाइस करिए, आप पश्चिम में लड़े, आप बंजाचल लड़े, आप बुंदेलखंड लड़े, बोरी लड़े भाई, बोरी लड़े, बताइए पूर्वांचल में, आप बताइए पूर्वांचल में, कैसी बात करते हो दिलीप भाई, जरा मैं याद कर लिया, बात कहीं और जा रही है, बात कहीं और घुमाते हैं, आप जो है क्या सुहेलदेव समाज पार्टी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी क्या जो है मुसलमानों के जो है जो समाजवादी पार्टी के जो है सांसद ने कहा है कि रमजान पे जो है छुट्टी चाहिए उसका समर्थन करते हैं, पहले तो ये बताएं हमें जी। आप जो है तटस्थ रहिए ना, आप क्यों जो है वो उठा के जो है, अरे क्या तरह है, छुट्टी होती रही, काम कब होगा, विकास कब होगा, बोल तो रही है, नहीं विकास 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 तो हो रहा है, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अश्विनी भाई कुछ बोल रहे थे, नीतीश भाई की बात देता हूँ, अश्विनी भाई कुछ बोल रहे थे आप? जी जी मैं यही कह रहा हूँ कि देखिए छुट्टियों की बात पर हो रही है, यहाँ पर धार्मिक तुष्टिकरण की बात होती है जी। आज जो छुट्टी हुई इस पर बयान आ गया, पश्चिम के ही दोनों माननीय सांसद हैं जी, जब माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार, अखिलेश जी की सरकार थी, माननीय मुलायम सिंह जी की नहीं, अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे जी, कांवड़ यात्रा बंद हुई थी, तो क्या इन दोनों सांसदों ने कुछ बयान दिया था? पता नहीं होगा उनको, कई पता नहीं होगा, हाँ ये बात सही है, सरस्वती पूजा बंद की गई थी कई जगह, तो क्या इनका कोई बयान आया था? अच्छा। और आज इनको तुष्टिकरण दिखाई दे रहा है, 14 छुट्टियां लगभग होती हैं पूरे देश की, मैं बात बता रहा हूँ, उसमें बराबर बराबर किया गया है, एक तरह से मान लीजिए 4 छुट्टियां मुस्लिम त्योहारों की होती हैं, 5 सरकारी छुट्टियां होती हैं, अन्य लोगों की मिलाकर 5 छुट्टियां होती हैं, जिसमें क्रिश्चियन भी हैं, जैनी भी हैं, हिंदू भी हैं, सबको मिलाकर 14 छुट्टियां होती हैं, वहां पर कोई तुष्टिकरण की राजनीति नहीं होती है, सबके लिए है,
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए छुट्टी है। अच्छा। लेकिन इन लोगों के जब देश में रविवार की जगह शुक्रवार को विद्यालय बंद किए जाते हैं उस पर इनका बयान नहीं आता है, क्यों नहीं आता है, कहां चली जाती है ये धार्मिक सहिष्णुता इनकी कई राज्यों में। और अखिलेश जी जो स्वयं आदेश देते हैं जी कांवड़ यात्रा बंद करने की और आज बैठ कर बोल रहे हैं कि जो है सब छुट्टियां होनी चाहिए, क्यों बोल रहे हैं? ये तुष्टिकरण उस समय होती थी जब ये एक, मैं कई बार कह चुका हूं आज फिर कहने जा रहा हूं, मेरी बेटी उनका कल नाम का एक इनका वो चल रहा था, मुस्लिम बालिकाओं को 30,000 रुपया देते थे, हिंदू बालिकाओं को 10,000 रुपया भी नहीं देते थे भाई। अच्छा, अखिलेश जी की बात है। तो जब अपने समय वाले सब भूल जाते हैं और आज हुआ तो राजनीति करना शुरू कर दिए लोग। अच्छा, भारत में उत्तर प्रदेश में सबका साथ सबका विकास के नारे पर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी, और मैं दिलीप जी को बताना चाह रहा हूं, दिलीप जी तो फंस गए थे अभी, लेकिन जो हिंदू पार्टी बता रहे हैं जो ये 3 करोड़ मकान जो बटे हैं महिलाओं को देश में उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पूछ के नहीं दिया गया है। अश्वनी जी मेरे कहने उज्ज्वला योजना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को नहीं दिया गया है, आवाज की क्लियरिटी नहीं, किसी के यहाँ राशन जा रहा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं दिया जा रहा है, ये विपक्ष वाले टीका लगाया गया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं दिया गया, कोरोना में उसके घर पे दवाई पहुंचाई गई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं पूछा गया। ये सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की सरकार है, इसीलिए ये जनता हमारे ऊपर भरोसा करती है। और उत्तर प्रदेश में 37 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है और 2024 में फिर से आशीर्वाद देकर तीसरी बार माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने जा रहे जी। अश्विनी भाई, सबसे पहले एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि अगर उन्होंने ऐसा किया कि उन्होंने रोज अवतार कराया, पारायण नहीं कराया, एक वर्ग को अलग रखा, एक वर्ग का समर्थन किया, तो क्या आप कुछ परंपरा बदल लेनी चाहिए या हम सभी वर्गों को गंगा जमुनी तहजीब के हिसाब से आपसी सोहर मिलाकर नहीं चल सकते, एक नई परंपरा नई शुरुआत करना चाहिए, कैसे रखते हैं? जी जी जी, देखिए सदन में छुट्टी हुई जी और सदन में लगभग 750-800 दोनों सदनों को मिलाकर माननीय सांसद लोग हैं जी, क्या सारे हिंदू ही हैं? और सारे हिंदू अगर हैं तो क्या सारे भाजपाई हैं? अच्छा बिल्कुल, उसमें दूसरे दलों के लोग हैं बिल्कुल। आज आपको यह मालूम होना चाहिए कि आज ही महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा का त्योहार है जो बहुत भव्य तरीके से मनाया जाता है जी, क्या कहते हैं साउथ में एक विदुही या कौन सा त्योहार कहा जाता है बहुत बड़े उसमें मनाया जाता है जी, लेकिन हल्ला सिर्फ हो गया क्योंकि नवरात्र का पहला दिन था इसलिए छुट्टी हो गई, इसलिए हल्ला मच रहा है। अच्छा, उन त्योहारों का नहीं मच रहा है, सब लोग मना रहे हैं, महाराष्ट्र वाले गुड़ी पाड़वा मना रहे हैं और उधर का साउथ का वो त्योहार बन रहा है, हम लोग आज जो है प्रथम दिवस था जी, तो ये सबको हम साथ में लेकर चल रहे हैं। गौरव जी आपका सवाल जो आपने पूछा है जी, हम सबको साथ में लेकर चल रहे हैं, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की छुट्टी नहीं थी, ये सबकी पूरे सदन की छुट्टी थी। ठीक ठीक है बिशम भाई, दयाराम भाई को बड़ा दर्द है, वो आपकी क्या राय है दयाराम भाई को लेकर और अश्विनी शाही की बात को लेकर जी? देखिए पहले मैं दयाराम जी की बात का जवाब, दर्द बहुत है उनका, पहले बता दीजिए। नहीं दर्द देखिए नहीं है, देखिए यहाँ तो कोई पर्सनल तो बात है नहीं बिल्कुल, और ना किसी की आवाज को चिल्ला के दबाने वाली बात है, बिल्कुल सही बात है। दयाराम जी ने बड़ी अच्छी बात करी, विकास की, शिक्षा की और एजुकेशन की और टेक्नोलॉजीज की बातें करते करते जी आखिरी में फिर उन्होंने आकर के वो उस तरह से जात और बिरादरी और कुर्मिक बिठा दो, निषाद को बिठा दो, इनको मुख्यमंत्री बता दो, देखिए जो योग्य होगा जी वो अपने आप जो है वो नई रास्ता ढूंढ लेती है, बिल्कुल सही बात। आप नहीं बिठाएंगे ना ही हमारी और आपकी हैसियत है जी कि हम आप किसी को बिठा दें जी, वो अपने आप योग्य आदमी योग्य पूत अपने आप पहुंच जाएगा जी, हाँ उसका हक ना मारा जाए इसके लिए आपको हमें रखा गया है कि उसका हिस्सा ना छीन लिया जाए, बिठा आप नहीं सकते हैं ना हम सकते हैं बिल्कुल। और रही बात जो आज राजनीति हो रही है उत्तर प्रदेश के अंदर जी, कभी तो स्वास्थ्य शिक्षा की बात दयाराम जी कर रहे थे आप, कभी फिर आप जातियों पर आकर के उतर गए, धर्म पर उतर गए कि इतनी छुट्टियां उतनी छुट्टियां, और अश्विनी जी की जो बात है शॉर्ट में मैं बताना चाह रहा हूँ, जो अश्विनी जी बता रहे हैं, अश्विनी जी नहीं, अश्विनी जी तो हमारे बड़े भाई हैं, काफी समय से हम लोग साथ बैठ रहे हैं और मैं इनको सुनता हूँ जब ये बोलते हैं, अच्छी बात करते हैं, अच्छे इंसान है, अच्छा व्यक्तित्व है, अगर मजबूरी इनकी ये है कि इनको भी पार्टी लाइन पर बोलना है। अच्छा। अगर भारतीय जनता पार्टी इसी तरह से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए बोलती रही तो मुझे लगता आने वाले इतिहासकार अखिलेश यादव जी को अखिलेश यादव नहीं लिख के अखिलेश पठान लिखेंगे और उनको मुसलमान राजनीतिक बताया जाएगा, क्या बात, मुसलमान नेता बताया जाएगा, जिस
तरह से बता रहे हैं कि हनन कर रहे थे, दोनों हाथों से तलवार हिंदुओं पर चला रहे थे अखिलेश यादव जी, मुझे लगता है कि अब इतना ही बचा है कि उनको जो है वो कलमा पढ़ लेना चाहिए। अभी वो पढ़ना नहीं चाह रहे, हो सकता है कुछ आगे उनकी मंशा हो सकता है वो आगे पढ़े अखिलेश यादव जी कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए, क्योंकि जिस तरह से हिंदुओं ने, मतलब हिंदुओं की बात नहीं करेंगे, मैं ये वर्ड वापस लेता हूँ, हिंदुओं की बात नहीं करेंगे क्योंकि हिंदू तो बहुत अच्छे होते हैं और हिंदुओं जैसा मुझे लगता है हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान से अच्छा कोई देश नहीं है। बिल्कुल, ये वर्ड वापस लेता हूँ, बीजेपी की बात करता हूँ। अभी जो जिस तरह से आपने देखा कि जिस वक्त सरकार बदली थी और जिस तरह से गंगा जल से धोया जा रहा था, उस वक्त इनकी जात बिरादरी और नफरत और सबका साथ, अरे भाई आप जीत गए थे, आप आके बैठ जाते, आपने किसी आदमी को बेइज्जत करने के लिए, आपने उसकी जात और बिरादरी को बेइज्जत करने के लिए जिस तरह से आपने वहां पर गंगा जल से धोया जी, वो कि आपने किसी के दिल को चोट नहीं पहुंचाई, किसी जात को धर्म को चोट नहीं पहुंचाई। अगर आप जातियों की बात करते हैं तो फिर मैं ये अगर कहूंगा कि जो स्वर्ण है वो हिंदू है जी, और जो बैकवर्ड है वो हिंदू नहीं, जो एससी है वो हिंदू नहीं, जो मुसलमान है वो हिंदू नहीं। देखिए होता क्या है, एक बात है बड़ी पुरानी, शायद आप उस बात को आप समझेंगे, कि देखिए ऐसा है कि इनके जो कार्य हैं, आप समझ रहे हैं ना, कभी ये कुछ कार्य अच्छे करते हैं मगर इनकी नियत सही नहीं होती। अच्छा, इनकी नियत नहीं सही होती है। अच्छा, अगर इनको यही सब काम करना होता है तो कभी कुछ ऐसा गिफ्ट और त्योहार पे किसी मुसलमान को कुछ ना कुछ दे दे तो लगेगा कि नहीं भाई अगर आपको ये दिया तो हमें वो दे दिया, हमें वो। मेरी बात पूरी बात होने दीजिए। देखिए मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में आपको पता था, मगर जिस वक्त आप बहुत बेइज्जत होके और बड़े बेआबरू होके निकाले गए, अच्छा, तब आपको सिर्फ एक ही गोद मिली अखिलेश यादव जी की, निकाले गए आप उस गोद में जाके बैठ गए कि हे प्रभु मुझे बचा लो। अच्छा, ठीक है, और जब वहां पर आपका राजनीतिक साधना सिद्ध नहीं, तब आप उठ करके बीजेपी की गोद में, मैंने एक फोटो देखा बड़ा वायरल हो रहा है गौरव जी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी का हाथ पकड़े बैठे हैं कि हुजूर अपनी पनाह में ले लो, राजभर कहां जाए, ये सुख कहां भोगे सत्ता का, किन गलियों में सत्ता का सुख भोगे, सारी दुकानें बंद हो गई, ये दुकान किस गली में अपनी दवा बेचे, ये दवा बेचने का काम कर रहे हैं, और वो भी एक कहावत है कि भाई आप क्या करते हैं, ये हवा में दवा बेच रहे हैं, ये हवा में दवा बेच रहे हैं, ना आगे कुछ है ना पीछे कुछ है, आज ये निकाय चुनाव लड़ेंगे और निकाय चुनाव लड़ करके अपनी राजनीतिक साधना को सिद्ध करेंगे और फिर उसके आधार पर ये आपको मिर्चा लगे और लगना स्वाभाविक है, और फिर आज की डेट नोट कर लिया जाए, गौरव भाई इंसान भाई मतलब नहीं है, इंसान बहुत जल्द पिछली बातों को भूल जाता है, अच्छा लिहाजा इसे कोट कर लीजिएगा, इनका ठिकाना फिर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की गोद है, अच्छा फिर वहाँ आएंगे। गोद क्या बोल रहा है भाई, बच्चे है क्या वो? नहीं, बच्चे की बात नहीं है, आप ये सोचिए कि जिस सरकार के ये मंत्री थे, हाँ। ये छोटी छोटी जातियों को बिठाने की बात कर रहे हैं, राजभर समाज के ये मंत्री थे, अपनी रोड न बनवा पाए, अपने रोड न बनवा पाए, अपने बेटे की शादी में ये रोड नहीं बनवा पाए, तो आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश की समाज जातियों को ये स्थान दे पाएंगे? जो अपने बेटे की रोड न बनवा पाया मंत्री हो करके और आसमान रो रहा था, साहब मैं कहां जाऊं, वो आदमी दूसरी जातियों को उठाने की बात कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है इसका। आप बताइए, और आपको बताएं, आपको समझ नहीं है गौरव जी, आपके माध्यम से जी हो गया हो गया निकाले गए तो सिपाही भी तो उसी तरीके से निकाले, पूछ लेता पूछ लेता पूछ लेता ठीक है हो गया हो गया, जयराम भाई जयराम भाई ठीक है ठीक है, असली जगह बोल रहा है, ठीक है जयराम भाई, दर्द आ गया बहुत दर्द है बहुत दर्द है, अरकबंश जी लड़ाइए, ठीक है कान में तेल डाल के सो रहे थे आप, सबको चुनाव लड़वाइए, आपने एक बड़ी बात सुनिए भार्गव जी, समझ में नहीं
कोट करिएगा कि हमारे भार्गव जी ने जितनी जातियों का नाम लिया है उनको सबको इन्होंने नेता बनाने की बात करी है, किसी को पढ़ा लिखा के अफसर बना करके कैसी बात करते हैं, दूर करने की बात नहीं करी है, क्योंकि नेता ये इसलिए कह रहे हैं कि उनसे वोट लेंगे और वोट लेके उनको नहीं खुद नेता बनना चाहते हैं। चले ठीक है, चार बार की सरकार में गिनाई है, ठीक है ठीक है, अश्विनी जी बोलेंगे, ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया हो गया, फिर मैं उससे कोई लेना है, अरे ठीक है हो गया, अरे हो गया, चलो भाई आप लोग डिबेट थोड़े करेंगे, बाकी मेहमान भी है, बाकी मेहमान भी, ठीक है अश्विनी जी बोलेंगे, हमेशा से बात कर रहे हैं, हमेशा से बात कर रहे हैं, हो गया हो गया, चार बार सरकार, चलो भाई हो गया, ये धरातल नहीं है, ये क्रांति पे डिबेट है भाई, हो गया हो गया हो गया, ये प्राइवेटी पे डिबेट है, दंगल मत दंगल मत दंगल मत बनाइए, तेरा भाई प्लीज, अरे आपके बंद कर दूंगा, बंद बंद कर दूंगा, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, हो गया हो गया हो गया हो गया, तेरा भाई हो गया हो गया, बहुत दर्द है, बहुत दर्द है, दो जातियां नजर आती थी उत्तर प्रदेश में, अच्छा पुलिस भर्ती होती थी, अच्छा दो जातियां नजर आती थी जी, 33,000 यादवों को भर्ती, मुझे 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 यार, मुझे यार, पांच भर्ती बोर्ड बना था उसमें पांचों के पांचों यादव आपने बना दिया, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आपको कैंसिल किया था, शर्मानी चाहिए आपको, आप बात करते हैं, ठीक है आशीष बोले, ठीक है शाही जी बोलिए बोलिए, एक मीसम भाई ने एक बात कहा जी कि राजभर जी जिस तरीके से बेइज्जत करके निकाले गए, थोड़ा सा आपत्ति मुझे इसलिए रहा कि एक ही चिट्ठी लिखी गई थी, हाँ। नाम अलग अलग था, शिवपाल जी का भी था नाम, हाँ। और राजभर जी का भी नाम था जी। चिट्ठी एक ही थी जी। आप लोग कहीं जा सकते हैं, लेकिन जी। शिवपाल जी अपने कुनबे के थे तो वापस आ गए, यादव बिरादरी के थे वापस आ गए, राजभर लोगों से इनको कुछ नहीं था तो इनको निकाल दिया गया, यानी कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के अंदर दो तरह की बात करने का अंदर से एकदम जींस में है कि ये लोग बीजेपी निकालने की बात कर रहे हैं, दोहरी मानसिकता रखेंगे, मीसम भाई बीजेपी से निकाले जाने की बात कर रहे हैं, बताइए मैं बीजेपी से निकाले जाने की बात कर रहा हूँ, शाही जी उल्टी बात कर रहे हैं, अरे तलाक आपने दिया तभी तो आप ही कुछ और ले गए, बीजेपी से हम छोड़ के आए थे पहले करेक्ट करिए, बीजेपी को हम छोड़ के आए थे पहले करेक्ट करिए, बीजेपी को हम छोड़ के आए थे सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लेकर के करेक्ट करिए, बीजेपी ने निकाला नहीं था, फिर बता रहे हैं, देख लीजिए देख लीजिए, हम फिर बता रहे हैं सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट, हम तो हक अधिकार दयाराम जी चिल्लाते बढ़िया है, अच्छा चिल्लाते इनकी पार्टी के नेता पर पता अच्छे नहीं है क्या, नहीं अच्छा बोलते हैं, मेरे भाई हैं, अच्छा अजीज हैं, बहुत कर्मठ हैं, अच्छा कर्मठ भी इनको, इनका खैर ये बड़े बड़े सामाजिक न्याय और अधिकार की बात कर रहे हैं, इतने सक्रिय इतने अनुभवी होने के बावजूद जी इनको इनके पार्टी में उचित सम्मान इनके वरिष्ठता के आधार पर नहीं मिल रहा है, उसका अच्छा। मुझे अफसोस भी है, क्यों राष्ट्रीय सचिव प्रवक्ता हो इससे ज्यादा कहाँ बैठा हो, इससे ज्यादा कहाँ बैठा हो, राष्ट्रीय सचिव प्रवक्ता महाराज मेरे तो ये नहीं समझ में आ रहा है, आज इन लोगों को पद की बड़ी गरिमा, आपकी ऊर्जा को देखते हुए कम से कम मांग कर रहे हैं, नेता द्वय का इनको वो मोहताज होना चाहिए, इनको नेता द्वय की कुर्सी पर होना चाहिए, और जो अपने पुत्र प्रेम में राजभर जी के नहीं, सोनिया गांधी राहुल गांधी नहीं है भाई, समझिए दो पुत्र हैं, दो पुत्र हैं भाई, पुत्र में सोनिया गांधी नहीं, अरे देहरा भाई सुन लीजिए, आप बोले मैंने नहीं, देहरा भाई प्लीज, आपके न्याय अधिकार की बात कर रहा हूं, अरे मैं तो कह रहा हूं, देहरा भाई देहरा भाई, अब विनोद सिंह बेइज्जत करेंगे उनको तो बोलेंगे भी नहीं, क्या गौरव भाई आप भी जो है उत्तर प्रदेश में दो ही विधायक, शर्म आती है हमको भाई, राष्ट्रीय यही समस्या है, अच्छा आपके अधिकार आपकी नहीं, आपकी बात को ही आगे बढ़ा रहा हूं, जी बोलिए, देखिए ये चिल्लाते अच्छा है, बहलाते अच्छा, मौका परस्त राजनीति में फुसलाते भी अच्छा, अच्छा तीनों का बच्चे का, लेकिन सवाल है, इसीलिए कांग्रेस को कोई नहीं पूछ रहा, ये सब करते अखिलेश यादव जी छोड़ के जा रहे हैं, ये सब अखिलेश यादव जी छोड़ के जा रहे हैं, आपको आपको दर्द क्या हो रहा है, आपको दर्द हो रहा है क्या, बड़ी समस्या, आप पकड़ लीजिए, दर्द हो रहा है क्या आपको, ये सब करने से होता क्या है, ये भारतीय जनता पार्टी के या सब दूसरी पार्टी के खिलौना तो बन सकते हैं, अच्छा लेकिन जनता के बीच में एक विश्वसनीय विकल्प के रूप में, अच्छा एक वैचारिक राजनीति के रूप में कभी भी अपने आप को स्थापित खड़ा नहीं कर सकते, अच्छा। मैं गंभीरता से एक मिनट में बात खत्म करूंगा, आपने देखा किसी जिले में अपने पदाधिकारियों की बता सकती है, कांग्रेस एक जिले बताइए क्या संगठन इकाई है, अरे आप प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, आप प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, बनवा दीजिए जयराम भाई, मैं कह रहा हूँ देखा आपने
किस प्रकार से ये सुहेलदेव समाज की बात करते हुए और जब आपने देखा कितना बड़ा विवाद हुआ था इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके सभी बदयाराम भाई को भी कोई उत्तर नहीं मिल रहा था, निरुत्तर हो गए थे जब वो बहस छिड़ी थी किकोचा शरीफ वाले मजार पे जब उनके ओवैसी साहब के साथ ये जाने पे। तो ये मैं बता रहा हूँ इनका मानसिक, सुन लीजिए समर्थन की बात, समर्थन की बात, आप उस समय सहयोग में थे, सुन लीजिए सुन लीजिए सुन लीजिए, देश को कांग्रेस अभी आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर से आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है मैं बता रहा हूँ। कारण यह है जब हम जातियों की बात करते हैं ये आपके कुकर्मों का फल है कि भारतीय जनता पार्टी या देश, अरे भाई ठीक है बता रहा हूँ, देखिए आपने उन जातियों को लाभ नहीं दिया, बीजेपी ड्रेस में आएगी, अरे आप नहीं जाते बीजेपी ड्रेस में, देखिए कम से कम दर्जनों डिबेट मुख्यमंत्री जी के खिलाफ इनसे रोष करते हुए दयाराम भाई ने ही किया है, साफ सुन लीजिए सुन लीजिए, जब ये अश्वनी जी से गुहार लगाते थे डिबेट के दौरान, कृपया मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष का विधायक आवास तो दिलवा दो, मंत्री आवास तो दिलवा दो, तब भी उसके लिए भी लड़ते थे। लड़ने वाले लोग जो इस प्रकार से इनका जो मतलब मौका परस्त वाली राजनीति है वो कहीं ना कहीं इनके समाज के लिए, छह विधायक हैं आपके तो दो ही है, कैसा मौका परस्ती भाई, नहीं नहीं देखिए विनोद जी आप भी बात करते हैं, आपके विधायक उनके छह विधायक, नहीं नहीं देखिए, अरे उसकी बात नहीं है, सवाल है ये किस प्रकार से अपने सुविधा अनुसार, ये किस प्रकार से सुविधा अनुसार कुछ भी बताते हैं कुछ भी करते हैं, इससे कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा होती है, मेरे हित ऐसी ये अपनी विश्वास नहीं, इनकी ऊर्जा का सदुपयोग हम चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी वो नहीं होने देगी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी यूज एंड थ्रो करके छोड़ देगी, राजनीति में थोड़ा और भारत हो गया, भारत जिस बदलाव की दिशा की ओर चल चुका है, जिस करवट पे हमारा किसान युवा महिलाएं आदिवासी सारे लोग मन बना चुके हैं, कम से कम उस संकेत को उस हवा को समझे और ये बेकार की बकवास परिवार से पूछ लो भाई, चलो ठीक है हो गया अश्विनी साहब बोलेंगे, ठीक है अश्विनी साहब आखिरी कमेंट भैया, आखिरी कमेंट देखिए गौरव जी, यहाँ पर बहस जैसे भी हो रही है जी, कांग्रेस के हमारे मित्र जो है प्रोवोक कर रहे हैं, दो विधायक इनके पास है, 2% वोट है, उनके 6 विधायक हैं, राजनीति में सारी संभावनाएं होती हैं और इस तरीके से प्रोवोक करना उचित नहीं है जी। मेरा ये कहना है कि जो आज छुट्टियों पर आपने रखा है, छुट्टियां सबके लिए हैं, छुट्टियां सबके लिए थी और छुट्टियां आगे सबके लिए रहेंगी, लेकिन जो वाजिब होगा वही रहेगा, देश के विकास पर कोई उसका असर ना पड़े, देश के युवाओं पर देश के बच्चों पर उस छुट्टी का प्रभाव ना पड़े, इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि सबका साथ सबका विकास के नारे पर चलती हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबके लिए खड़ी। नहीं ठीक है, बड़ी अच्छी बात है जो अश्विनी जी ने कही कि सबका साथ सबका विकास करना है, देश को आगे बढ़ाना है, छुट्टियों का ध्यान रखा जाए, बिल्कुल सही बात है, अगर ये कहें तो सारी छुट्टियां भी बंद कर दी जाए प्रदेश की तब भी हम आवाज नहीं उठाएंगे, मगर हम ये कहना चाहेंगे कि दो मुई मार जो है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है वो खत्म कर दी जाए, दो मुई मार, ठीक है। दिलीप यादव जी, विशेषज्ञ कह दिए डिबेट का जो है विषय जो छुट्टियों पे था जी, लेकिन जो है भारत दयाराम भाई नाराज हो गए थे, छुट्टियों पे जो है वो सपा लेके नाराज हो जाते तुरंत, हाँ जी, अपने जो है जातिवादी और जो है समीकरण को जो है करके जी। जबकि मैं एक चीज बताऊंगा कि जो है ये निषाद पार्टी जी और जो है सुभाषपा जी, ये दोनों बाप बेटे की पार्टी है, अच्छा जब मौका मिलता है ये जो है कभी बीजेपी की गोद में बैठ जाते हैं, कभी समाजवादी पार्टी के गोद में बैठ जाते, समाजवादी पार्टी पिता पुत्र मोह में, जिसने अपने पिताजी की कुर्सी छोड़ करके स्वयं मुखिया बना हो, शर्मानी चाहिए दिलीप यादव जी, जिसने अपने बाप की प्रतिष्ठा को दांव लगा करके स्वयं मुखिया बन गया हो, उसकी पिता पुत्र नहीं है क्या? अरे जिसने शिवपाल चाचा को नाराज किया, जिसने शिवपाल चाचा की बेइज्जती करी, उसकी आप बात नहीं कर रहे, आप रात भर की बात करते, दिलीप भाई शर्म आती है, इसीलिए मैं कहता हूँ पिता पुत्र की पार्टी नहीं है, केवल दो वर्ग की पार्टी है, दो लोगों की पार्टी है समाजवादी पार्टी, बाकी जातियों का हिस्सेदारी नहीं है, यहाँ पे नाइक का मिलेगा,
प्रजापति कुमार नहीं मिलेगा, अकबरसी नहीं मिलेगा, केवल दो लोग मिलेंगे समाजवादी पार्टी। देखिए सही माने में गौरव जी बात छुट्टी पर कहते जरूर है, ये कहते जरूर सबको लेके चलते हैं। सही माने में भारत उत्तर प्रदेश की जनता का भला उसी दिन होगा जब भारतीय जनता पार्टी की छुट्टी हो जाएगी। इनकी छुट्टी होगी तभी देश की जनता का सम्मान। आपने इतने दिन क्या किया? आपने क्यों नहीं किया? अरे अभी कम से कम 20 साल तो नहीं, 20 साल तो नहीं होने वाली है। कांग्रेस जो भी ख्याली पूरा ठीक हो गया। आप सभी कार्य में जुड़ने के बहुत बहुत धन्यवाद। तो यह चर्चा थी छुट्टी को लेकर, संसद की छुट्टी पर जिस तरह से सपा सांसदों के बयान आए उसके बाद राजनीति गरमाई हुई है कि छुट्टी अगर नवरात्र पर हो रही है तो रमजान पर भी होनी चाहिए। पर सबसे महत्वपूर्ण बात है छुट्टी का अपना एक कायदा और अपने गाइडलाइंस होनी चाहिए। मेरा मानना यह है धर्म वर्ग देखकर छुट्टी करना मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं विकास को लेकर भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है। अगर वास्तव में छुट्टी करनी है तो व्यवस्था के हिसाब से करिए, सामाजिकता के हिसाब से करिए और आपसी सौहार्द को बनाए रखते हुए छुट्टी करिए। हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसकी खूबसूरती यहाँ की धर्मनिरपेक्षता है, उसको बनाए रखते हुए यहाँ पर गंगा जमुनी तहजीब को रखते हुए आपसी सौहार्द को बनाए रखते ही तमाम तरह की जो योजना है या छुट्टी या तमाम तरह की व्यवस्था है उसकी शुरुआत होनी चाहिए। यहाँ पर किसी की छुट्टी से, यहाँ पर किसी के त्यौहार को मनाने न मनाने से कोई दर्द नहीं है। यहाँ दर्द केवल इस वास्ते है कि हम व्यवस्थाओं को छोड़कर, हम अच्छाई को छोड़कर, हम आपसी सौहार्द को छोड़कर, हम गंगा जमुनी तहजीब को छोड़कर यहाँ पर केवल केवल धार्मिक विवादों में फंस चुके हैं। धार्मिक विवाद जहाँ पर किसी भी धर्म के लिए कोई लाभ नहीं है, क्योंकि हम दिवाली मनाते हैं और हम होली भी मनाते हैं, हम ईद भी मनाते हैं और हम यहाँ पर लोहड़ी भी मनाते हैं। यहाँ सभी वर्गों को समान अधिकार और समान सम्मान प्राप्त है और यह अधिकार हमारे देश के संविधान ने हमको दिया है। इसलिए बशीर बद्र ने बहुत स्पष्ट कहा है एक बात, उसको लेकर आपको जरूर बताना चाहूँगा कि सात संदूकों में बंद कर दो नफरतें, सात संदूकों में बंद कर दो नफरतें, इंसान को आज मोहब्बत की ज़रूरत है बहुत। तो आज की चर्चा में इतना ही, नमस्कार।